CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली भारतीय महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला उड़ान उड़ान उड़ान। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम सुनीता विलियम्स। उड़ान, एक चाह आसमान की बुलंदियों को छूने की, लेकिन उड़ने के लिए जरूरी होते हैं पंख। और अपने सपनों को दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस और परिश्रम के पंख लगाकर आकाश की बुलंदियों को छुआ सुनीता विलियम्स ने। नव वर्ष की पूर्व संध्या, अंतरिक्ष में असीम ऊंचाइयों पर स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां स्पेस शटल डिस्कवरी मिशन के अभियान दल के सदस्यों के साथ सुनीता विलियम्स भी थी। चंद्रमा अपनी पूर्ण अवस्था में था। अंतरिक्ष में चारों ओर मनमोहक छटा बिखरी हुई थी। ऐसे अद्भुत नजारे को देखकर सुनीता ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लॉग बुक में अपनी भावनाओं को कुछ इस प्रकार प्रकट किया। हमने खिड़की से बाहर देखा और अनुभव किया कि हम ही हैं स्वर्ग के सबसे निकट। हमने पृथ्वी की ओर देखा और सोचा, धरती पर रहने वाले ये अरबों लोग आखिर क्या नहीं कर सकते। हमें स्मरण हो आया अतीत के उन खोजी यात्रियों का, जिन्होंने अनगिनत मुश्किलों बाधाओं को पार करके हमारे लिए रास्ता तैयार किया। उनकी मेहनत का ही तो फल है कि आज हम एक सतत मार्ग पर सुनहरी किरणों का जहाज चला रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक कवियत्री, हैरान है ना दोस्तों। ये कहानी है एक कवियत्री की, एक नौसेना पोत चालक की, हेलीकॉप्टर पायलट की, नौसैनिक गोताखोर की, तैराक की, पशु प्रेमी की, मैराथन धाविका की और एक अंतरिक्ष यात्री की। जी हाँ, महिला एक जिसमें छुपे हैं व्यक्तित्व अनेक, और वो महिला हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता का जन्म 19 सितंबर सन 1965 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के क्लीवलैंड शहर में हुआ था। जब वो एक साल की थी तब उनके माता पिता मैसाचुसेट्स के बोस्टन शहर में आकर बस गए थे। बड़े भाई जे और बहन डायना के बाद वो सबसे छोटी थी। सुनीता के पिता दीपक पांड्या भारत के गुजरात राज्य से हैं और माता बोनी जालोकर पांड्या स्लोवेनियन मूल की हैं। पिता दीपक पांड्या सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं और माता बोस्टन के बेसन कॉलेज में कार्यक्रम समन्वयक रही हैं। वो भी रिटायर हो चुकी हैं।
सुनीता का घर का नाम सुनी था। सुनी अक्सर अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित कार्यक्रमों को टीवी पर देखा करती थी। एक दिन की बात है, जे टीवी पर क्या देख रहे हो? तुमने अपना होमवर्क कर लिया? हाँ मम्मा, आई हैव फिनिश्ड। क्या आपको पता है, अभी थोड़ी देर में टीवी पर एक कार्यक्रम आएगा और उसमें नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर चलते हुए दिखाया जाएगा। अच्छा, क्या सच में? हाँ मम्मा, मैं सच कह रहा हूँ। चाहे आप ही देख लेना थोड़ी देर में। फिर तो मैं सुनी को बुलाती हूँ। उसे तो अंतरिक्ष के प्रोग्राम बेहद पसंद है, कभी मिस नहीं करती। सुनी, सुनी बेटा। यस मम्मा, अब क्या बात है? बेटा यहाँ ड्राइंग रूम में आओ, टीवी पर तुम्हारा पसंदीदा अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू होने वाला है। क्या, अंतरिक्ष प्रोग्राम? हाँ बेटा। मैं अभी आती हूँ मम्मा। लो, शुरू भी हो गया। On July 20th, 1969, Neil Armstrong stepped out of an odd-looking spaceship and into the pages of history as the first man on the moon. Today, he remains one of the most famous people on the planet. ये देख, नील आर्मस्ट्रांग। हाँ हाँ। देखो देखो, चांद पर कैसे चल रहा है? अरे वाह। हाँ। चांद तो बिल्कुल सफेद है। उस पर बहुत सारी बर्फ होगी ना? नहीं बेटा, चांद पर बर्फ नहीं है। हाँ मम्मा, एक दिन मैं भी अंतरिक्ष में जाऊंगी, उन सभी की तरह। हाँ हाँ। आप देखना, ऊंचे, बहुत ऊंचे अंतरिक्ष में, सितारों और चांद पर। हाँ हाँ सुनी, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, एक दिन तुम जरूर जाओगी। हाँ। सुनीता का परिवार दो संस्कृतियों के बेहतरीन मिलन का एक जीता जागता उदाहरण है। इसमें भारतीय और स्लोवेनियाई संस्कृति का अनूठा सामंजस्य देखने को मिलता है। किंडरगार्टन से छठी कक्षा तक की पढ़ाई उन्होंने हिलसाइड एलिमेंट्री स्कूल से की। सातवीं से नौवीं कक्षा तक वो न्यूमैन जूनियर हाई स्कूल में पढ़ी और दसवीं से बारहवीं कक्षा की पढ़ाई के लिए उन्होंने नीदम हाई स्कूल में दाखिला लिया। सुनीता को खेलों, विशेषकर तैराकी से बहुत लगाव था। अपनी तैराकी को लेकर वो बहुत गंभीर थी। तैराकी से उन्होंने निष्ठा और स्वास्थ्य के महत्व को समझा। एक बार की बात है, सुनीता का परिवार न्यू हैम्पशायर के दौरे पर छुट्टियां मनाने गया। उनके लिए इस जगह का विशेष महत्व था, क्योंकि यहाँ एक ओर जहाँ व्हाइट माउंटेन की चढ़ाई का रोमांचकारी अनुभव मिलता, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ और धवल स्विफ्ट नदी की लहरों में अटखेलियां करने का मौका भी। उनका शिविर लगा हुआ था कि तभी कितनी जबरदस्त बारिश है। सुनीता। जी पापा। लगता है आज की रात हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा। अरे अरे, ये देखो, ये पेड़। बचो जरा, बचो। पापा संभल के। ओह, बच गए। वापस जाना नामुमकिन है। लेकिन आज जाना जरूरी है पापा। हाँ? कल मुझे हर हाल में घर पहुंचना जरूरी है। लेकिन बेटी, आज कैसे पहुंच सकते हैं इस तेज बारिश में? अभी तो हमें सामान समेटना होगा, शिविर बंद करना होगा। लेकिन पापा। बेटी, घर भी तो करीब यहाँ से 200 मील दूर है, और न जाने इस बारिश में पहाड़ी रास्ते का क्या हाल होगा। पापा, कल मेरी तैराकी प्रतियोगिता है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। कमिटमेंट इज कमिटमेंट पापा,
चाहे हमें सारा सामान यही छोड़कर जाना पड़े। शाबाश शाबाश मेरी बेटी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। थैंक यू पापा। शाबाश। और यही हुआ, उन्होंने सारा सामान वहीं छोड़ा और वापस चल दिए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे जे को साथ लिया, दोबारा न्यू हैम्पशायर पहुंचे, सामान समेटा और वापस आए। तो ऐसी थी सुनीता और उनका समर्पण। जिस वर्ष सुनीता ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, उसी वर्ष उनके बड़े भाई जे पांड्या ने संयुक्त राज्य नौसेना अकादमी से ग्रेजुएशन किया था। सुनीता का परीक्षा परिणाम अच्छा था, वो चाहती तो विश्वविद्यालय में भी प्रवेश पा सकती थी, लेकिन उन्होंने भी नौसेना अकादमी में ही जाना पसंद किया। ये वर्ष 1983 था। उनकी कक्षा में कुल 1000 विद्यार्थियों में सिर्फ 50 लड़कियां थीं। वर्ष 1983 में लड़कियों का नौसेना अकादमी में जाना कोई आसान बात नहीं थी। शुरू से ही उन्होंने अकादमी में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया और जल्द ही वो श्रेष्ठ धाविका और तैराक के रूप में जानी जाने लगी। प्रथम वर्ष की समाप्ति तक वो तैराकी टीम की कप्तान चुन ली गई। संयुक्त राज्य नौसेना अकादमी ने कई अर्थों में उनके जीवन को नया रूप दिया। जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब मन के अनुकूल चीजें अवसर नहीं मिलते। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो चाहे वो हमें मिल जाए। हिम्मत उसमें है कि जो भी अवसर मिले उसे कितनी खूबसूरती और लगन से निभाया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ सुनीता विलियम्स के साथ। वो नौसैनिक गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन उसमें केवल एक ही ऊंचा पद था, और जब वो नौसैनिक गोताखोर नहीं बनी तो उन्होंने नेवल एयर बनना पसंद किया। यहां भी उनके मन मुताबिक काम उन्हें नहीं मिल पाया। इसके बारे में सुनीता कहती हैं, उस समय महिलाएं लड़ाकू विमान नहीं उड़ाती थीं, इसलिए महिलाओं के कुल दो ही पद थे। मुझे मेरी पहली पसंद नहीं मिली, बल्कि दूसरी पसंद हेलीकॉप्टर मिली थी। मैं बच्चों को अक्सर बताया करती हूँ कि भले ही तुम्हें अपनी पहली पसंद का काम या पद ना मिले, लेकिन जो कुछ भी मिलता है उसमें भी यदि तुम अच्छा कर सको तो सफलता जरूर मिलेगी। संभव है वो सफलता तुम्हारी वांछित सफलता से बेहतर हो। अंतरिक्ष में आगे और आगे बढ़ने की ललक सुनीता के मन में शुरू से रही थी। अंतरिक्ष विज्ञान की सर्वोच्च संस्था नासा में आने के बाद तो इस इच्छा को मानो पंख मिल गए हों। उन्होंने मॉस्को में स्थित रूसी अंतरिक्ष अभिकरण में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए पहले अभियान दल के साथ काफी समय तक काम किया। काम बहुत ही मुश्किल भरा था। शारीरिक परिश्रम के साथ तकनीकी और अभियांत्रिकी का अध्ययन भी करना पड़ता था। सुनीता ने अभियान के बारे में, अंतरिक्षयानों के बारे में, वहां की धरती आदि विभिन्न पहलुओं के विषय में जानकारी इकट्ठी की।
उनका तैराकी और दौड़ का अनुभव अंतरिक्ष में बहुत कारगर रहा। मेहनती तो वो शुरू से ही थी, पर इन दोनों क्षेत्रों में प्रैक्टिस होने से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। पानी के अंदर और अंतरिक्ष दोनों में शरीर की स्थिति भारहीन होती है। प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें पानी के भीतर काम करना सिखाया गया था, जैसे चीजों को जोड़ना, बोल्ट कसना, वस्तुओं को उठाना आदि। इस प्रशिक्षण से स्पेस में कार्य करना उनके लिए सरल हो गया और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें डिस्कवरी स्पेस शटल के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुन लिया गया। दिसंबर सन 2006 को भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 7:17 पर डिस्कवरी स्पेस शटल ने अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर स्थित कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। दिस इज ईस्टर्न टाइम 7:17 AM डेट 10th December 2006. Discovery Space Shuttle is now to take off from Kennedy Space Center, State of Texas, Houston, United States of America. The countdown begins now. 5, 4, 3, 2, 1, 0. This is to announce that the Discovery Space Shuttle has successfully entered the outer space. The flight is stable. दो दिन बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश किया, जहां उन्हें 6 महीने तक रहना था। अंतरिक्ष की पहली सुबह को उन्हें और उनके साथियों को वेकअप कॉल दी गई बीटल्स की इस धुन के साथ। वहां रहते हुए सुनीता ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। सुनीता विलियम्स, a naval aviator, Sunita was selected for the astronaut program in 1998 and within NASA on the ISS robotic arm. Her 4 spacewalks, totaling 29 hours and 17 minutes, established the world record for women. Oh, kitna adbhut hai charo aur dekhna. Wo rahi prithvi. कोई सरहदें दिखाई नहीं देती। काश एक दिन ऐसा भी आए जब सारी सरहदें एक हो जाएं। आगे चलती हूं। ओह, उधर उत्तरी तारों की श्रृंखला, ओह कितना भव्य है। यहां तो 360 डिग्री के कोण तक भी मैं सब कुछ देख सकती हूं। इट्स वंडरफुल, रियली ऑसम। ओह माय गॉड, अंतरिक्ष में रहते हुए ही उन्होंने धरती पर होने वाली बोस्टन मैराथन में भाग लिया।
लैपटॉप के माध्यम से वो पृथ्वी की गतिविधियों को देख रही थी। उन्होंने अपनी बहन डायना से बात की। हेलो डायना, कैसी हो? रेस कितनी देर में शुरू होगी? हाय सुनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अच्छी होगी। रेस करीब आधे घंटे में शुरू हो जाएगी, तो तुम तैयार हो ना इसमें हिस्सा लेने के लिए? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। फर्क बस इतना है कि तुम सब वहाँ बोस्टन में दौड़ोगे और मैं यहाँ स्पेस स्टेशन में। ये तो बेहद अच्छी बात है सुनी कि वहाँ रहकर भी तुम किसी सीमा में नहीं बंध रही हो। हम सब की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ओह धन्यवाद डायना। ठीक है, तुम उधर दौड़ो और मैं इधर। ऑल राइट। और इस तरह सुनीता ने बॉस्टन मैराथन की 42 किलोमीटर की रेस अपने स्पेस स्टेशन में 4 घंटे में तय की और रेस में हिस्सा लेने वाली वो पहली अंतरिक्ष यात्री बन गई। उन्होंने अंतरिक्ष से रेडियो के जरिए स्कूली बच्चों से बात की और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। मजा आएगा ना? बहुत अच्छा लगेगा सच में। हेलो चिल्ड्रन, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड स्पेस रेडियो। वी कनेक्ट यू नाउ टू सुनीता विलियम्स इन स्पेस। एंजॉय द कन्वर्सेशन। हेलो बच्चों, मैं हूँ सुनीता। मुझे लगता है तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, है ना? पूछो पूछो। बाहर अंतरिक्ष में सबसे अच्छा क्या है? मेरा ख्याल है कि यहाँ सबसे अच्छा लगता है पूरी पृथ्वी को देखना। सचमुच बहुत अच्छा अनुभव है ये। आप उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो आपके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं? मैं कहना चाहूंगी कि यदि कोई वास्तव में अंतरिक्ष विज्ञानी बनना चाहता है तो वो जरूर बन सकता है। पर हाँ, दो बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। उसी क्षेत्र या पेशे में जाएं जिसमें आपकी रुचि है और फिर उसमें पूरी लगन से मेहनत करें। हम ऐसा जरूर करेंगे। हाँ। दूसरी बात, स्वयं को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त बनाए रखें। श्योर, व्हाई नॉट। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने में कितना समय लगता है? अंतरिक्ष में पहुंचने में तो लगभग 8.5 मिनट ही लगते हैं। ओहो। लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने में लगभग 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हमें 2 अंतरिक्ष यानों के बीच अपने मिलन स्थल के लिए थोड़ी थोड़ी देर रुकना पड़ता है। भावी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आप क्या संदेश देंगी? साहसिकता लाएं, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उसे हल्के से ना लें। हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। हम ये याद रखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। अब वो दिन भी नजदीक आ गया जब उन्हें वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन ऐन वक्त पर एक परेशानी खड़ी हो गई। उन्हें वापस लाने के लिए अटलांटिस में एक स्पेस शटल भेजा गया, पर कुछ तकनीकी खराबियों के कारण उसका ताप कवच या थर्मल शील्ड फट गया। स्पेस शटल को ठीक करने के लिए अटलांटिस अभियान की अवधि 11 दिन से बढ़ाकर 13 दिन करनी पड़ी। हर तरफ डर का माहौल था, क्योंकि कल्पना चावला के यान के दुर्घटनाग्रस्त होकर 7 सदस्यों के मरने की घटना सभी में डर पैदा कर रही थी।
यहां पृथ्वी पर सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए उनके घर वाले, दोस्त, सहकर्मी और करोड़ों लोग प्रार्थना कर रहे थे। अहमदाबाद में स्कूली बच्चों ने भी उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। अंत में सबने उस समय राहत की सांस ली जब 22 जून को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय के अनुसार मध्य रात्रि के बाद 1:19 पर अटलांटिस सभी अंतरिक्ष यात्रियों सहित कैलिफोर्निया के एडवर्ड हवाई अड्डे पर उतरा। कांग्रेचुलेशंस। She's a hero not only in the United States, but in her parents' native country, India, where newspapers, broadcast media, and internet forums beam with pride for this almost native daughter. दुनिया के कोने-कोने में खुशी की लहर दौड़ गई और भारत के हर हिस्से में, खास तौर पर पांड्या परिवार के मूल स्थान अहमदाबाद और कल्पना चावला के जन्म स्थान करनाल में तो जश्न का माहौल था। सुनीता विलियम्स जीती जागती मिसाल हैं साहस और कामयाबी की। इसके साथ साथ वो एक अच्छी इंसान भी हैं। अंतरिक्ष में रहकर जब उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा तो उनके मन में ख्याल आया, When you look at the planet from that view, you don't see any borders between countries, and that's one of the biggest messages that I mentioned when I was in India, because there's lots of discussions over these silly little lead lines that we draw. पृथ्वी एक सुंदर और विशाल ग्रह पिंड है जहां कोई सीमा या विभाजन रेखा नहीं है। समझ में नहीं आता कि इस ग्रह पर कोई किसी क्षेत्र विशेष को लेकर आखिर क्यों झगड़ता है। सुनीता विलियम्स ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि मानवता की उन्नति के लिए भी काम किया है। वो आकाश का सितारा है जो हमेशा दमकता रहेगा और अपनी चमक से दूसरों को भी साहस, लगन और नई नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता रहेगा। सुनीता विलियम्स। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक समन्वय, शोध और आलेख परामर्श डॉक्टर अनुभूति यादव, आलेख सविता राणा, कलाकार बाबला कोचर, मंजू मैनी, हर्ष बाला, गीता वर्मा, राजेश आहूजा, आशीष, मेघा, सुरभि और हन्ना, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा ध्वनि संपादन, निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरू।